इस न्यूज के प्रायोजक है स्वामी विवेकानंद उच्च माध्यमिक विद्यालय फलासिया। कक्षा नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में प्रवेश प्रारंभ, जहां कम शुल्क में गुणवत्ता युक्त शिक्षण ही एक मूल मंत्र है। तहसील मुख्यालय का 29 वर्षों से सेवा दे रहा एकमात्र विद्यालय, जहां पर कृषि विज्ञान संकाय कला संकाय, जहां हर वर्ष जिला स्तरीय पर शत प्रतिशत परिणाम देने के साथ ही सत्र 2024 में कक्षा 10th और 12th का बोर्ड परीक्षा परिणाम सर्वश्रेष्ठ रहा है। एक नजर में देखें, संपूर्ण सुविधाओं से सुसज्जित शांत वातावरण व अनुभवी अध्यापकों सहित पूरा परिसर सीसीटीवी कैमरे में कैद एवं छोटे बच्चों के लिए घर जैसा वातावरण सहित दूर दराज से आने वाले बच्चों के लिए बस सुविधा भी उपलब्ध है। अन्य विद्यालय में प्रवेश लेने से पूर्व एक बार यहां पर विजिट अवश्य करें, संपर्क करें उमेश पुरी गोस्वामी, मोबाइल नंबर 7568787301। जिले के अम्बापुरा थाना क्षेत्र के कुंडला खुर्द गांव में एक महिला ने अपने 3 साल के मासूम को फंदे पर लटकाकर खुद भी आत्महत्या कर ली है। यह घटना सोमवार सुबह 10:30 पर 11 बजे के बीच की बताई जा रही है। पुलिस को सूचना मिली और शव को उतार कर फिलहाल एमजी अस्पताल की मोर्चरी में शिफ्ट कर दिया है। मृतका का पति और पिता दोनों बाहर मजदूरी के लिए गए हुए हैं, इसलिए अब उनके आने के बाद ही पोस्टमार्टम किया जाएगा। थाना अधिकारी कालूराम ने बताया कि मृतका शकुंतला 24 पत्नी नारायण और उसका बेटा पीयूष 3 दोनों घर पर अकेले थे। उसका पति नारायण हैदराबाद में मजदूरी करने गया हुआ है। घर पर मृतका, उसका बेटा और सास ससुर रहते थे। सुबह सास नरेगा में मजदूरी के लिए चली गई और ससुर खेत में गया हुआ था। उसी दौरान घर पर अकेले होने के कारण शकुंतला ने पहले अपने बेटे को साड़ी के फंदे पर लटका दिया, फिर वो खुद लटक गई। घटना के कुछ देर बाद कोई पड़ोसी घर गया तो देखा कि दोनों माँ बेटे फंदे पर लटके हुए हैं। मौके पर सूचना मिलते ही ग्रामीण पहुंच गए, तभी वहीं से सरपंच ने सूचना दी और पुलिस जाप्ता मौके पर गया। उस दौरान ग्रामीणों ने तो बच्चे के शव को उतार लिया था, महिला का शव लटका हुआ था। पुलिस ने महिला के शव को नीचे उतारा, फिर निजी वाहन से दोनों के शवों को मोर्चरी में रखवाया है। एसआई कालूराम ने बताया कि आत्महत्या के पीछे क्या वजह रही यह बताना मुश्किल है, क्योंकि कोई परिजन अब तक रिपोर्ट देने को तैयार नहीं हुआ है। मृतका के मोबाइल की जांच की तो अंतिम बार उसने उसके पिता से बात की थी सुबह। क्या बात हुई क्या नहीं, वो पिता के आने के बाद ही पता चल पाएगा। घटना के बाद पीहर और ससुराल के लोग पहुंच चुके थे। उनका कहना है कि पति और पिता के आने के बाद ही पोस्टमार्टम किया जाए, दोनों के कल सुबह या दोपहर तक आने की संभावना है। शवों को मोर्चरी में सुरक्षित रख दिया गया है, आगे इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हकीकत सामने आ पाएगी।